अपने खालिक साहब, मोहतरम अखंडजादा साहब, नसीर साहब, मैं आपका, आपके इदारे का और इस सेमिनार को मुनक्कद करवाने में जो भी आपके पास मोबाइल बंद है कि असल में ये गवर्नेंस का इंस्ट्रूमेंट है। कोई भी गाड़ी, कोई भी जहाज, कोई भी दुनिया में मशीनरी जब आप खरीदते हैं उसके साथ आपको एक छोटा सा मैनुअल मिलता है। जब आप एक मुल्क खरीदते हैं, मुल्क लेते हैं, मुल्क में रहते हैं, मुल्क में बसते हैं, सिटीजन बन जाते हैं या मुल्क बनाते हैं, उसके साथ फिर आप एक छोटा सा मैनुअल बनाते हैं, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ये ऑपरेट करने का तरीका बताता है, ये गाड़ी आगे कैसे जाएगी, ये गाड़ी पीछे कैसे जाएगी, ये गाड़ी दाएं कैसे जाएगी, ये गाड़ी बाएं कैसे जाएगी, गाड़ी खराब हो गई तो क्या, ये सब कुछ है सर। द मैनुअल हैज एवरीथिंग। अगर इसको क्रिटिकली पढ़ा जाए, समझा जाए, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस के सारे रूल्स फ्रेम करता है। ये आपको बताता है कि शहरी के साथ उसने सलूक कैसे रवा रखा जाए, इंसाफ कैसे किया जाए, मसावात किया कैसे किया जाए, उसके इंसानी हकूक का ख्याल कैसे किया जाए, उसके तालीम, सेहत जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है उसको कैसे संभाला जाए। इट हैज एवरीथिंग फ्रॉम चैप्टर वन और चैप्टर आखिर तक जो है ये सारी चीजें बताता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं या जो कहते हैं कि जो अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो दुनिया में लोग वहां पे ज्यादा लोगों को ऑपरेट करने का मौका मिलता है। अब आ जाती है इंप्लीमेंटेशन की। पाकिस्तान में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, 56 का कॉन्स्टिट्यूशन हो, 62 का कॉन्स्टिट्यूशन हो, फिर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, पोस्ट 18th अमेंडमेंट 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है, बजट बनाने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 27A पढ़ा जाए तो फिर हमारे आई कोर्ट को ये मजबूर होकर लिखना नहीं पड़ेगा कि जी कम्युनिकेशन में, रोड में, बिचुमन में, सरिया में, सीमेंट में, पत्थरों में पैसे ज्यादा लग रहे हैं, तालीम में कम लग रहा है। जब अगर ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स, पॉलिसी मेकर पैसा खर्च करने से पहले इसको पढ़ें कि इसमें क्या कहा गया है कि हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। हमने तालीम का ख्याल रखना है, सेहत का ख्याल रखना है, रोजगार का ख्याल रखना है, ख्वातीन के जच्चे और बचकी के मसाइल हैं उनका ख्याल रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, ये बहुत बड़ा क्रेडिट डेफिनेटली जाता है 2009 और 2010 में जो पॉलिटिकल पार्टीज, डॉक्टर साहब को याद होगा, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बैकग्राउंड जो बलूचिस्तान वाले खुद भूल जाते हैं, इसमें बलूचिस्तान के लोगों का खून पसीना शामिल है। सिर्फ पसीना भी नहीं, बहुत ज़्यादा खून शामिल है। अगर नवाब अकबर खान बुगटी की शहादत नहीं होती, अगर बलूचिस्तान में ये डिसअपीयरेंसेस नहीं होते, बलूचिस्तान के अंदर ये नौजवानों की बड़ी पोलिटिकल अपराइजिंग नहीं होती, बलूचिस्तान की पोलिटिकल लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल नहीं होता, अगर जो पार्लियामेंट्री कमेटी 2004 और 2006 में बनी वो नहीं होता, तो आपको कभी भी अटारनी तरमीम नहीं बनती। ये किसी को भी नहीं मिलता। जिस तरह शहजादा साहब ने कहा कि पहले जो है कुछ लोग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करते हुए डरते थे, उसके लिए जो ग्राउंड बना हमने 2004 में जो पार्लिमानी कमेटी बनी, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी पार्लिमानी कमेटी थी जिसमें 52 के करीब अफराद शामिल थे। 2004-05 के बाद 2006 में डॉक्टर साहब सेनेटर बने, हमें मजबूरन सेनेट छोड़ना पड़ा, मुल्क से बाहर चले गए। 2004 से 2005 के अवाखिर तक या 5 के मिडल तक, जब तक ये वाकया नहीं हुआ था, तो इस कमेटी ने बहुत काम किया। एंड दैट वाज द, वो क्या कहते हैं कि सीड, जो बीज बोया गया वो था 18th अमेंडमेंट का, जिसमें ये बलूचिस्तान की गुर्बत, बलूचिस्तान की पसमानदगी, बलूचिस्तान के लोग पहाड़ों पे क्यों गए हैं, बलूचिस्तान में बदअमनी क्यों है, बलूचिस्तान को गैस का कीमत 2700 रुपये पर MBTU पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो है वो बलूचिस्तान की गैस के मिलती थी हमें, आई पावर, किसी को पता नहीं था। जब हम वहाँ पर ये बोलने लगे, अभी जाके बलूचिस्तान को, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमें बहुत से ज़्यादा क्यों कुछ NFC में पैसे मिले, इससे पहले बलूचिस्तान के का गैस जो है वो नेस्ले के इस पानी से कीमत से भी इसका कम था, अभी भी कम है। अभी भी जब इस्लामाबाद में ये सोच पड़ी कि बलूचिस्तान के मसाइल को हल किया जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कौन से क्या चैलेंजेस हैं, तो हमने कहा ये ऑपरेशनल मैनुअल नहीं है, आपने ये जो मैनुअल बनाया है यू नीड टू अमेंड दिस, इसके अंदर गवर्नेंस का जो सारा स्ट्रक्चर है ऑपरेट बंदा नहीं कर सकता। आपने जो भी महफूज साहब ने बड़ी तफसील के साथ बताया आर्टिकल 172, अगर कोई पढ़े, बलूचिस्तान 5 से 10 साल में करोड़पति बन सकता है। देर इज़ नो मैजिक, कोई जादू नहीं है, एवरीथिंग इज देयर। आप पहले बिजली बना नहीं सकते थे सूबे, अब ये कंकर्ड लिस्ट ख़त्म हो गया, सूबा बिजली बना सकता है। पहले सूबे बिजली की और तो छोड़ें, आप खंबे नहीं बिछा सकते थे, अब ये आपको, हमें तो पता था, हमें क्या पता था कि जब पैसे आएंगे वो खंबे पे नहीं लगेंगे, वो सिर्फ सरमिया सीमेंट पे लगेंगे। सो देयर आपको बहुत सी चीज़ें, इंडस्ट्री की इजाज़त आपको नहीं थी,
काफ़ी इंडस्ट्रीज़ थी जो सूबे जो है वो अपने मर्जी से नहीं लगा सकते थे, आपको जो इंडस्ट्री का जो हमारा मुकमा था फेडरल में उससे लाना पड़ा। सो इन द कॉन्स्टिट्यूशन ने काफ़ी चीज़ें आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे दी कि आप इस सूबे में अगर कोई पॉलिटिकल लीडरशिप आ जाता है जो बलूचिस्तान की बीमारी को समझता है, इट्स अ सिक प्रोविंस कम्प्लीटली। नूरुल्लाह साहब ने बड़ी अच्छी बात की, दो तीन साल के बाद ये रुक जाएगा, एंड रुकना मीन मरना होता है, इट्स लाइक डाइंग। द बलूचिस्तान इज स्लोली ग्रेजुअली एडिंग टूवर्ड्स परमानेंट डिक्लाइन। अब ये क्या है, हमें किसी ने भी बात नहीं की हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के पैरामीटर्स होते क्या हैं, हाउ यू नो कि वी आर डेवलपिंग और वी आर डिटेरियोरेटिंग और डिस्ट्रक्टिंग टू गोइंग टू डिस्ट्रक्शन डिटेरियोरेशन, वो आप कैसे, क्या पैरामीटर्स होते हैं। आपके यहाँ लिटरेसी है, एजुकेशन है, अभी दोस्त साहब ने कहा कि हमारे यहाँ अभी तक इंडिकेटर्स डेवलप होने चाहिए, ये पाकिस्तान एजेंडा फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म वकार अहमद साहब ने लिखा है, कुछ साल पहले की किताब है, मैं पढ़ रहा था, पहले पढ़ा। इट हैज़ गिवन एवरी इंडिकेटर कि 18वीं तरमीम के बाद बलूचिस्तान वो वाहिद सूबा है जहाँ तालीम की शरह कम हुई। इसमें लिखा हुआ है कि बलूचिस्तान वो वाहिद सूबा है जहाँ बेरोजगारी बढ़ी। ये वाहिद सूबा है 18वीं तरमीम और इतने पैसे आने के बावजूद बलूचिस्तान में जो है आपका जो इन्फेंट और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट वो सब कुछ बढ़ गया। इफ़ यू वांट आई कैन एग्जैक्टली गो, मैं जब कोर्ट में हम गए थे इसी के बेसिस पर, ये है द पोस्ट 18th अमेंडमेंट फिस्कल फ्रेमवर्क हैज आल्सो अलाउड ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ प्रोविंसेस वर स्पेंडिंग ऑन सोशल सेक्टर्स द प्रोविंशियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा क्यों आगे गए, दे डेवलप्ड अ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, उन्होंने एक बहुत बड़ी हिकमत अमली बनाई, एंड दैट हिकमत अमली जो आपका सारे वर्डिंग्स है, विदाउट एनी स्ट्रेटजी, आपके पास 420 रुपए भी हों अगर आपके पास एक मतमली का फुकदान है वो भी आप गलत तरीके से खर्च करेंगे। अगर आपको ये पता हो कि मेरे घर में रोटी की ज़रूरत है, दवाई की ज़रूरत है, मेरे घर में सालन की ज़रूरत है, घी की ज़रूरत, तो आप 420 रुपए खर्च करेंगे। जब आपको पता ना हो, आप हमारी तरह कोई बेहोश से बंदे हैं, आप जाके उसका मार्लबोरो का सिगरेट खरीद के पी लेंगे, तो आप कोई और अयाशी उसमें कर लेंगे। तो ये किसी सूबे को, बीमार सूबे को, अनटनलेस उसको अपनी बीमारी का पता ना हो, तो अभी आते हैं क्या है किसी भी सूबे में, मेरे पास वो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स थे, ये है पूरी दुनिया के, अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए कोई तराजू नहीं होता। सो यू आप डेवलप जो इंडिकेटर्स हैं दुनिया में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं, ये बलूचिस्तान जो है पूरी दुनिया में, मैं आपको बताऊँगा हमारा जो बलूचिस्तान है ये उसका डेवलपमेंट इंडिकेटर है। बलूचिस्तान इस वक्त 0.47 पे कड़ा है और चेंज जो इसमें बिल्कुल नहीं आ रहा है, और ये इस वक्त दुनिया में इथोपिया के बराबर है, ये कंपेरेबल कंट्रीज़ के बराबर जो उन्होंने दिया था, यूएन ने अपनी एक असेसमेंट बनाई थी। अभी एक और रिपोर्ट आ रही है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की मोर रिसेंटली, अभी हफीज़ पाशा साहब ऑथर हैं, मैं उसका एडवाइजरी काउंसिल का मेम्बर भी हूँ, उसमें अगर आप बलूचिस्तान के जो शॉकिंग फैक्ट्स देखेंगे आपको रोना आएगा, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि बलूचिस्तान कितनी बदसूरत पसमानदगी या डेवलपमेंट की बीमारी से गुजर रहा है। एंड दैट्स मैं सिर्फ इसमें दो चार सवाल आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ। एक तो ये है कि यहाँ पर जब हम कोर्ट में भी गए थे, जो इश्यूज चैलेंजेस थे वो ये था कि जब तक आप बलूचिस्तान का डेवलपमेंट एजेंडा दुरुस्त नहीं करते, ये पोलिटिकल लीडरशिप नहीं कर सकता, इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। लोग सारे सियासी लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं। हाँ, अब जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि 18th अमेंडमेंट के बाद दोस्त साहब ने एक सवाल किया कि हम अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं हैं। अब कुछ फेडरल इंस्टीट्यूशंस हैं या फेडरल एजेंसीज हैं या फेडरल वो क्या कहते हैं बॉडीज हैं, वो बलूचिस्तान में अभी तक हमारा पोलिटिकल और डिवेलपमेंट के डायनमिक्स को कंट्रोल करते हैं। Until unless, जब तक आपको ये दोनों तरफ से इन्होंने घेरा हुआ है जो कि आपका डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क, अभी इस दफ़ा जो बलूचिस्तान की जो डेवलपमेंट का हमारे कह रहे थे नूरक साहब तकरीबन 110-120 अरब रुपए है, उसमें 82% जो है वो सड़कें हैं, और वो सड़कें भी उसमें से फिर 42% सड़कें वो फेडरल गवर्नमेंट के इदारों ने अपनी मर्जी से डलवाई हैं। जो हमारा पैसा है, जो हमारी तालीम पे, हमारी सेहत पे, हमारे रोजगार पे, हमारे जचगी और बचगी के से मरने वाली हमारी माओ बहनों पे खर्च होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रहा। एंड ये सारी चीज़ें ले गए कोर्ट का फैसला 18 पेजेस का, जो डेवलपमेंट से इंटरेस्टेड है, जो बलूचिस्तान की इस बीमारी को समझना चाहते हैं, तो देख लें इसको। तो ये अगर जब तक ये बाहर की भी इंटरफेरेंस है, कमज़ोर पोलिटिकल लीडरशिप भी है और कमज़ोर ब्यूरोक्रेसी भी है,
उस दिन चीफ जस्टिस साहब वहां पर थे, तो उन्होंने एसीएस साहब को कहा कि अगर आपसे कोई गलत काम लेता है आप जवाब दे दें, आपको ट्रांसफर करेंगे, दूसरा आएगा, दूसरे को जवाब देना चाहिए। और फिर कोर्ट ने यहां पर एक बड़ी खूबसूरत बात भी लिखी, हम अभी बाद में सोच रहे हैं इसको क्या करें इसका, कि गवर्नमेंट ये पाकिस्तान बलूचिस्तान की तारीख में पहली दफा है कि कोर्ट जाके कहता है कि बलूचिस्तान के दो यानी जो PSDPM लेके गए ये वाली, मतलब इखलाकी तौर पर मॉरली इस गवर्नमेंट को तो कह देना चाहिए था कि भाई ये PSDP स्क्रैप, हम बलूचिस्तान में तालीम पे पैसा खर्च नहीं कर रहे, हमसे गलती हो गई, हम सेहत पे खर्च नहीं कर रहे, हम रोजगार के जराए इकोनॉमिक ग्रोथ जो डेवलपमेंट होता है GDP है वो बलूचिस्तान की आके माइनस में चली गई है। एक दुनिया में सोशल इकोनॉमिक साइंस है, मैं इतना नहीं जानता हूँ, महफूज साहब कहेंगे, दुनिया में अगर किसी भी कौम की GDP जो है जो GDP उसकी शराय आबादी के इजाफे से कम हो, इसका मतलब है कि वो कौम जो है पसमानदगी की तरफ जा रहा है, तबाही की तरफ जा रहा है। बलूचिस्तान हमारे तीनों सूबों चारों सूबों में से वाहिद वो सूबा है जहाँ पर हमारी शराय आबादी में इजाफे का जो रफ्तार है, हमारी शराय तरक्की उससे बहुत कम है। वो हफीज़ पाशा साहब ने बड़ी अच्छी किताब लिखी है, 2-10 साल पहले KPK के लोग आके यहाँ पर हमारे कानकुनी और माइनिंग करते थे, आज बलूचिस्तान पाकिस्तान के जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं यानी पाकिस्तान से जो बैरून मुल्क पैसा भेजने वाले सबसे ज़्यादा KPK के लोग हैं, 22% जो है KPK उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में किया। इस दफ़ा भी हमारे यहाँ ब्रिक्स, टफ्टाहल, सीमट, सरिया, सड़कें, ब्रिजेस, सो कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ के साइड पे, तो इसमें मैं सिर्फ कोर्ट का ये फैसला, मतीन साहब सिविल सोसाइटी बैठी है, ये पॉलिटिकल लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये पूरे बलूचिस्तान के लोगों की जिम्मेदारी है। अगर गलत पैसा, हम भी कल पॉलिटिकल पोजीशन पे रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे आ जाएंगे। कोर्ट ने कहा है दो द इलीगलिटीज एंड इरेगुलरिटीज, यानी गैर कानूनीत और इरेगुलरिटीज, उर्दू में कोई अच्छा लफ्ज कहते हैं क्या, बेकायदगियां, इन द मेकिंग ऑफ द PSDPs एविडेंट, साबित हुआ है, ऑन द बेसिस वेयर ऑफ इट रिक्वायर्स टू बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, कोर्ट ये कहता है। अच्छा, उसके बाद कहता है बट कीपिंग इन व्यू द फैक्ट दैट दिस neglected promise requires development, therefore a judicial restraint is shown to the extent of those. मैंने एक बात कोर्ट में वहां पर उस दिन भी कही जब मैं आर्गूमेंट कर रहा था, सारे बुक्स थे, मैंने कहा जनाब वाला एक होता है, एक इंसान जब कत्ल होता है तो उसको जिम्मेदारी एक दो बंदों पे चार पे डाल दी जाती है, आप गवाह ले आते हैं, आप उनको कसम भी दे देते हैं, ये कलेक्टिव मर्डर है, सोसाइटी का इज्तिमाही कत्ल है, व्हेन यू स्पेंड मनी इररिस्पॉन्सिबली, अगर आप गलत तरीके से पैसा इस्तेमाल करते हैं, आप अगर जो कैंसर से मरने वाले बच्चे हैं, सड़कों पर मरने वाले बच्चे हैं, इट इज़ अ कलेक्टिव मर्डर ऑफ सोसाइटी, तो ये सिविल सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप की नहीं बनती है कि वो अदालतों का दरवाज़ा कटकटाए, वो कहे इस PSDP में हमें दिखाएं कि कहाँ पर हमारी तालीम के लिए, कहाँ पर हमारे रोज़गार के लिए, कहाँ पर हमारी जो है सेहत के लिए, कहाँ पर हमारी हुनरमंदी के लिए, कहाँ पर हम जाके बाहर मुल्क में काम कर सके, उसके लिए आपने कोई ऐसे तरीके और वसाइल बयान किए। नूरुल्लाह साहब ने बड़ी अच्छी बात की, जो इंटरवेंशन हैं वो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और मैसी के साथ थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।